फूड में इक्विलिब्रियम आ रहा है। चलो प्याज के बाद इतनी चीज़ करेंगे, ये बस जल्दी खत्म होने वाला है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा अभी, ये मतलब लास्ट स्टेज चल रहा है चैप्टर, मतलब 80% खत्म हो गया एक तरीके से। चलिए गाइस देखिए, लास्ट क्लास ना हम एक चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा याद करो, मैंने सबसे जरूरी चीज़ आपको समझाई थी पहले लास्ट क्लास की, हमारे पास दो तरह की प्रोसेस होती हैं, याद करिएगा, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी जो अपने आप ही हो जाती है, जिनको कराने के लिए कोई एक्सटर्नल ताकत की जरूरत नहीं है, वो सब स्पॉन्टेनियस। और ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे कि किसी पत्थर का पहाड़ी से नीचे आना अपने आप आएगा भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट पत्थर का नीचे से ऊपर जाना वो नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं होगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। गर्म चीजें ठंडी अपने आप हो जाएंगी, लेकिन ठंडी चीज गर्म अपने आप नहीं होगी, समझो मेरी बात को। अभी यहाँ पर आप वो डिपेंड करते हैं वो यहाँ पर गर्म चाय की बात करोगे तो गर्म चाय थोड़ी देर में ठंडी होगी, है ना, लेकिन वो ठंडी से अपने आप तो गर्म नहीं होगी ना उतनी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सो कहने का मतलब कि गर्म चाय ठंडी अपने आप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस है, बट ठंडे से गर्म हमें करना पड़ेगा, खुद से नहीं होगी, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोई चेंज हमारा स्पॉन्टेनियस होता है और कोई चेंज हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये मैंने आपको समझाया था। इसके बाद कुल मिला के आप लोग इस पे आ जाइए एंट्रोपी पे सीधा, कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है। तो मैंने बताया था कि एक सिस्टम के अंदर हमारा जो सिस्टम है ना वो हो सकता है कि प्रॉपरली अरेंज्ड हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें डिसऑर्डरनेस आ रखी हो। डिसऑर्डरनेस कैसे, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं बड़ा सिस्टमेटिक में बैठे, बट एक डिसऑर्डरनेस भी हो सकती है, कोई बच्चा कहीं बैठा, कोई बच्चा कहीं बैठा, कोई बच्चा कहीं बैठा, है ना, डिसऑर्डर पैटर्न में बैठ सकते हो आप लोग, कोई भी कहीं भी बैठ गया। सो आप ये कहेंगे कि ऐसे में हमारे सिस्टम की एंट्रोपी बोलो, अभी फिलहाल एंट्रोपी बोलो क्या है, कम है, लेकिन अगर बच्चे ऐसे कहीं भी बैठ जाएंगे जहां उनका मन करेगा, कोई यहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, सो हम बोलेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा है। तो एंट्रोपी बस एक शब्द बोला गया है, उसका मतलब है डिसऑर्डरनेस, मतलब क्या है डिसऑर्डरनेस, कि सिस्टम में कितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलता है द डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि एंट्रोपीज जो होती है गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, लिखा है ना मैंने सॉलिड्स लिक्विड्स और यहाँ पर बोलो क्या गैसेस, तो गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स में रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, उससे कम रेंडमनेस इसमें होती है, सबसे कम रेंडमनेस इसमें होती है, कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो यही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, इसी जगह पर ऑसिलेट करता रहेगा। तो सबसे कम रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस किसमें होती है, सॉलिड्स में, और सबसे ज्यादा डिसऑर्डरनेस किसमें होती है बोलो गैसेस में, तो गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है और लिक्विड्स की उससे कम और सॉलिड्स की सबसे कम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आता है, यही दे दो वही बुकलेट, अभी बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो जिन बच्चों को नहीं मिली थी लास्ट में। टेस्ट पेपर्स अपने पास रखी हुए, और ये 12th ऑल ओवर टेस्ट है, तो टेबल में मत छोड़ देना बस, 6 बजे हाँ। अभी दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। नहीं आप लोगों का टेस्ट नहीं है, 12th ऑल ओवर टेस्ट, आप लोगों का टेस्ट मैंने शेड्यूल भेज दिया है, जो शेड्यूल भेजा है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट है आपका, ठीक है, विशेष मन कर लो तो बेटा। क्या और पढ़ता भी ढक लेना, ऐसे ही गिरे ना बच्चों। बस भाई फिर मुझे तुम एक बात बताओ, ऐसे ही बच्चे सोच के बिल्कुल सुनते चलो, बस बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, अगर आपको समझ आ गई तो, समझ नहीं आई फिर तो बात अलग, फिर तो तुम्हें वो बेकार लगेगी, बोरिंग लगेगी। सो गाइस एंट्रोपी सबको समझ में आ चुकी है, ये वाला गैस वाला एग्जांपल भी समझ में आया, वो इन्होंने कहा था कि पहले हमने एक कंटेनर में एक पार्टीशन डाल रखा है और इधर गैस ए है इधर गैस बी है, तो कहते हैं कि सिस्टम की रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस थोड़ी कम है, बट जैसे इस पार्टीशन को रिमूव करूंगा गैस ए और गैस बी दूसरे पर डिफ्यूज हो जाएंगे और हम बोलेंगे आप सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर ज्यादा रेंडम हो चुका है, और हम कहेंगे इसकी एंट्रोपी बढ़ चुकी है, अब पहले एंट्रोपी कम थी, बताया था बात। मैंने इसके बाद मुझे बताइए कि मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैसे पहचानोगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, क्लास केमिकल रिएक्शंस में एंट्रोपी का कैसे पता लगेगा, सिंपल सी चीज है सर, कोई सॉलिड चीज अगर गैस बन रही है तो एंट्रोपी बोलो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, भाई सिंपल सी बात है ना, कोई सॉलिड चीज है बोलो क्या बन रही है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, H2 गैस से बोलो क्या बन रहा था, H2H गैस, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है सर, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, सिंपल है भाई। अगर आप लोग बोलोगे कि सर
H2O सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन रही है, तो बोलो H2O बोलो सॉलिड से लिक्विड, तो बोलो एंट्रोपी क्या कर रही है, बोलो इंक्रीज कर रही है। ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? अरे भूल गए क्या? अरे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। चलो इस केस में बताओ जल्दी से, जल्दी ये पहले खत्म करते हैं। H2O गैस से H2O लिक्विड बन रही है, गैस से लिक्विड आ रही है, तो एंट्रोपी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें एंट्रोपी के साइन के बारे में बात करता हूं। एंट्रोपी का जो सिंबल है ना बच्चों, वो बनाया गया एस से। सब बच्चे ध्यान देना भाई, एंट्रोपी का सिंबल बोलो क्या है? एस। जैसे एंथैल्पी का सिंबल है एच, इंटरनल एनर्जी का सिंबल है यू, तो एंट्रोपी का सिंबल बोलो क्या है? एस। अब आपको जब भी कोई बोले कि एंट्रोपी का चेंज बताओ, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल एंट्रोपी माइनस इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनिए। किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ है ऐसे बता लीजिएगा, उसकी फाइनल एंट्रोपी कितनी है माइनस में इनिशियल एंट्रोपी कितनी है, मतलब कितना उसका बाद में रैंडमनेस है, कितना उसका पहले रैंडमनेस था, इससे बता लीजिएगा कितना चेंज आया रैंडमनेस में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बस सुनिए। अच्छा आप बताइए, जब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी, जब एंट्रोपी बढ़ रही होगी सिस्टम्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी जिस केस में, तो बाद वाली एंट्रोपी ज्यादा होगी पहले वाली एंट्रोपी, बोलो क्या होगी? कम। तो बाद वाली ज्यादा पहले वाली कम, तो इसका मतलब आंसर बोलो कैसा आएगा? पॉजिटिव। नहीं आई मेरे पास समझ में संजीव? अगर मैंने बोला बाद वाली एंट्रोपी पहले वाले से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, और बाद वाली कम है पहले वाली ज्यादा थी, तो आंसर बोलो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज एस1 अगर बड़ा है एस2 कम है तो भैया नेगेटिव आएगा। तो ध्यान रखना कि जब जब इंक्रीज करती है डेल्टा एस का साइन बोलो कैसा आता है? पॉजिटिव। और जब जब डिक्रीज करती है डेल्टा एस का साइन कैसा आता है? नेगेटिव। किसी को समझ नहीं आया दोबारा बता दो, बिकॉज इसका थोड़ा रोल है इंपॉर्टेंट है जो आज मैं कराने वाला हूं। जब जब डेल्टा एस पॉजिटिव आए तब तक समझ जाओ कि एंट्रोपी बढ़ी है, और जब जब डेल्टा एस नेगेटिव आए तो एंट्रोपी घटी है। बताओ क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तभी आएगी जब बाद वाली एंट्रोपी पहले वाली से ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी बढ़ गई होगी तभी पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव कब आएगा? जब पहले ज्यादा थी बाद में बोलो क्या होगी? घट गई, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इसका मतलब एंट्रोपी घट गई है। तो पॉजिटिव साइन डेल्टा एस का इंडिकेट करता है कि एंट्रोपी बढ़ी है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है एंट्रोपी घटी है। क्लियर होगा कि नहीं होगा? लक्ष्य नहीं आएगा समझ? सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी बताओ। अब मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूं एंट्रोपी के फॉर्मूले पे। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है गाइस? बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कैसे इसका फॉर्मूला बनाएगा। तो यहां तक मुझे बताओ, किसी बच्चे को एंट्रोपी की टॉपिक में कोई दिक्कत लग रही है क्या? क्या बताता है एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की? रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस को बताता है। आपसे पूछ सकता है कि किसकी रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ज्यादा है? दो सिस्टम से पूछ देगा लेफ्ट साइड पे, मतलब ऐसे बोल देगा इन तीनों में से किसकी रैंडमनेस ज्यादा बनी है गैसेस की भाई, ऐसे दो सिस्टम दे देगा, पहले पार्टीशन था बाद में पार्टीशन हटा देता, और एंट्रोपी कब ज्यादा है, एंट्रोपी बाद में ज्यादा है, बिल्कुल सिंपल चीज आती है। रिएक्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कब एंट्रोपी ज्यादा है। तो बार बार कह तो रहा हूँ कि एंट्रोपी का मतलब बोलो क्या है? रैंडमनेस। अब चेक कर लो कि पहले रैंडमनेस ज्यादा थी या बाद में रैंडमनेस ज्यादा है। अगर बाद में ज्यादा है तो भैया आपकी एंट्रोपी बढ़ गई है। क्लियर हुआ? बाद में कम है तो एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो कहते हैं किसी की भी एंट्रोपी में जो चेंज होता है उसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा भाई। इसका फॉर्मूला ने ये बनाया गया। अब ये क्या है जरा समझिएगा, और मैं आप लोगों से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। इस फॉर्मूले में जैसा दिखता है ना, ये वैसा फॉर्मूला होता नहीं, मतलब दिख कुछ रहा है हो कुछ और। आप जरा मुझे बताओ, मैं ऊपर तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करूं, कल क्वेश्चन भी था यार ये, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, 0 केल्विन टू 115 केल्विन, वैल्यूज भी शायद यही हो, क्या पता। क्वेश्चन यही है, डिटरमाइन द एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी डिक्रीज और इंक्रीज, क्या लगता है बच्चों क्या होगी? अभी फॉर्मूला देख लेंगे, आप थोड़ा और बोलना चाहेंगे देखो, समझो। अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर 0 केल्विन से 115 केल्विन कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात ही है, तो क्या होगा? सेम इधर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है उसमें रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें थर्मल एनर्जी जाती होगी, हीट जाती होगी, हीट जो होगी पार्टिकल्स को थोड़ा दूर करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है रैंडमनेस को डिसऑर्डरनेस को बढ़ाएगी। सही बात है कि नहीं? सॉलिड से लिक्विड में तो कोई चीज हीट लेके बनेगी ना, टेम्परेचर बढ़ा के तो बनेगी। सो इसका मतलब एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए, एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए। सो डेल्टा एस बच्चों कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करती है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। लेकिन जब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करा गया तो पता लगा कि डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि, क्यों मतलब क्या बोलो, हीट। जितनी ज्यादा आप हीट देंगे किसी सिस्टम में उसकी एंट्रोपी में चेंज उतना ही ज्यादा होगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? कि मेरे पास अगर एक सिस्टम है उसको मैं जितनी ज्यादा हीट दूंगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है।
ये मेरे पास सिस्टम है और मैं इसको जितनी ज्यादा बोलो क्या दूंगा, हीट दूंगा, जिसको तुम किससे डिनोट करते हो, बोलो क्यू से। तो जितनी ज्यादा हीट दूंगा इसके एंट्रोपी में चेंज भी उतना ही ज्यादा आएगा। अगर 10 जूल की हीट दूंगा थोड़ा चेंज दिखेगा, और 100 जूल की दूंगा तो ज्यादा बड़ा चेंज दिखेगा रैंडमनेस के अंदर। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो हायर द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, हायर विल बी द चेंज इन द एंट्रोपी। बट गाइस एक बड़ी जरूरी चीज है, टेम्परेचर से सिस्टम का बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या होनी चाहिए, लेकिन वो इस फॉर्मूले में इनवर्स रिलेशन है। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है पहले बताओ, क्यू ज्यादा है, हीट ज्यादा है तो एंट्रोपी का चेंज भी बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहां देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी चेंज कम। ये तो थोड़ा लॉजिकली लग नहीं रहा ना, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, बट यहां तो उस हिसाब से तो बोलो कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स है ना। कुछ कर बट कोई कर सकता है, क्या जानते हैं इसके बारे में? टेम्परेचर और हीट आपस में रिलेटेड, किस तरीके से? टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। हां टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट घटेगी। हीट घटेगी कैसे? बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे? तो वही तो बोल रहा हूं मैं, इनवर्स तो नहीं होना चाहिए ना लॉजिकली। अच्छा ये सबको समझ में आता है, पहले सुनो, ये सबको समझ में आता है कि जितनी ज्यादा हीट आएगी उतना बड़ा एंट्रोपी में चेंज होगा? ये आमने सामने इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सभी बच्चे फिर। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि टेम्परेचर के ज्यादा होने पर एंट्रोपी कम कैसे हो सकती है? टेम्परेचर के ज्यादा होने पर तो एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए ना। अरे नहीं सुन रहा, हाई द टेम्परेचर हाई विल बी द अमाउंट ऑफ हीट, हाई विल बी द एंट्रोपी ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन टी इनवर्स रिलेशन में कैसे आ गया? तो इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, पढ़ ली प्रिंस ने पढ़ा है, प्रिंस पढ़ के बताया लोग आज। हाँ सही है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के बताया तो भी बता। आप लोग भी अपने बुकलेट का पैराग्राफ पढ़िए और फिर मुझे एक्सप्लेन करिएगा। सही बच्चों को बुकलेट का पैराग्राफ पढ़ना है, कौन सा वाला? जो बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है इसका, एंट्रोपी वाले का लास्ट पैराग्राफ। आप पीछे रखो, किसी के पास भी बुकलेट नहीं है, हैंड रेस करना, कितने के पास नहीं थी बुकलेट लास्ट? अभी आज नहीं, जो लास्ट मतलब जिनको बुकलेट इशू ही नहीं हुई, देखो दो बार मत देना, एक ही बुकलेट की कॉस्ट आपसे देते हैं। एक रहेगी ना, मैं करा दूंगा फिर से भाई। बच्चों सभी बच्चों को एंट्रोपी वाले टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है और फिर शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। जल्दी करो यार, सोच लो, समझ लो, सो पढ़ दो अच्छे से। कुछ तो इसी मतलब का लिखा हुआ है और शायद कुछ बच्चे समझ गए हो। चलिए भाई, कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा, कितने बच्चों को ये वाली बात उसमें लिखी हुई समझ आ चुकी है? हेलो, चलिए कितने बच्चों को ये वाली बात समझ आ गया, हैंड रेस करो, पूछूंगा मैं सिर्फ किसी एक से। हाँ भाई जतिन, कितने बच्चों को क्लास में ये वाला पैराग्राफ समझ में आ गया? अब एक को भी नहीं आया? मेरे को तो लगा आधी क्लास हैंड रेस करेगी, नहीं आया? आया? थोड़ा डाउट है मन में कि पता नहीं क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा है, ऐसा डाउट है। चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लास बोर्ड पे तो नहीं होगा। ए जैसा इधर दिख रहा है ना वैसा एक्चुअली वो कहना नहीं चाह रहा, वो कहना कुछ और चाह रहा है। वो कहना क्या चाह रहा है जरा समझिएगा बच्चों, ध्यान सुनो। सही बच्चे दिव्यम, यहाँ पर देखो, आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास ना कोई एक चीज़ पहले थी, कोई एक चीज़ पहले थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे कि पानी की जो आइस होती है सॉलिड फॉर्म में थी 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस वक्त आपने इसके अंदर कितनी हीट डाली बोलो? 100 जूल की हीट डाली, समझना मेरी बात को। और एक बार ना ऑलरेडी ना ये समझ लीजिए कि हमारे पास वाटर ना गैसेस फेस में था,
गैसेस फेस का मतलब आपको पता है कि कब आता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने बोलो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी अपनी H2O गैस फेस में है, H2O गैस फेस में, और ये H2O सॉलिड फेस में है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है आइस होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद आपको पता है कि वही पानी जो होता है वो क्या बन जाता है, बोलो वेपर्स बन जाता है। अब मेरी पूरी बात समझना, इसमें भी मैंने 100 जूल की हीट दी, मैंने दोनों कंडीशंस में 100 जूल की हीट दी, मतलब दोनों केसेस के अंदर मैंने जो क्यू दिया है वो कितना दिया है बोलो 100 जूल। तो ऊपर वाली बात तो होगी सेम दोनों के लिए, समझना मेरी बात को। मेरा आपसे सवाल ये कि मैंने इसको भी 100 दिया और इसको भी 100 दिया, आपको क्या लगता है कि दोनों सिस्टम्स में जो एंट्रोपी में बदलाव देखने को मिलेगा क्या वो एक जैसा देखने को मिलेगा? आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पहले से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड उस सिस्टम में लगी पड़ी है और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है? समझने की कोशिश करना। तो जब इसमें 100 जूल की हीट जाएगी तो एकदम से बहुत बड़ा डिसऑर्डरनेस इसके अंदर पैदा होगा, बट उसके अंदर बहुत बड़ा डिसऑर्डरनेस इस 100 जूल की हीट से पैदा होने वाला नहीं है, सिंस इट इज ऑलरेडी हाईली डिसऑर्डर्ड, क्योंकि वो पहले से ही बोलो क्या है, हाईली डिसऑर्डर्ड। मतलब कि एंट्रोपी में चेंज कितना आएगा ये हीट पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अगर बॉडी ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है, इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान सुनिएगा, बॉडी ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है तो एंट्रोपी के चेंज देखने को बड़े मिलेंगे, बड़ा चेंज आएगा एंट्रोपी में, और अगर बॉडी ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे है तो फिर एंट्रोपी का चेंज बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं पहले से, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है। समझे मैं इस बात को तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना। दो एग्जाम्पल लेना, आपको एक घंटे के लिए एक ऐसे रूम में छोड़ा गया जो पहले बड़ा सिस्टमैटिक वे में लगा हुआ था, मैंने बोला था ना कि आपको एक कमरे में छोड़ा गया जहाँ पर तकिया अपनी जगह पे है, बेडशीट अपनी जगह पे है, टेबल पे सब चीज़ें बुक्स वगैरह अपनी सारी चीज़ें पेन स्टैंड के अंदर पेन रखे हुए, सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर है। एक घंटे के लिए उस रूम में छोड़ा गया, आप बताना चाहे ध्यान से क्लास पीछे इधर, एक बार तो ऐसे रूम में छोड़ा गया जो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में लगा हुआ है, एक बार ऐसे रूम में छोड़ा जो पहले से बिखरा हुआ था, आपको दोनों में एक घंटे के लिए छोड़ा गया, आप बताओ किसमें ज़्यादा रैंडमनेस पैदा कर दोगे? जो पहले से बहुत सही तरीके से अरेंज था उसमें तुम अगर एक घंटा रुके तो उसमें ज्यादा डिसऑर्डरनेस देखने को मिलेगी, और जो पहले से डिसऑर्डर है उसमें तुम एक घंटा रुके तो आपकी डिसऑर्डरनेस कैसी पैदा होगी? कम पैदा होगी, ऑलरेडी वो डिसऑर्डर है। समझिए मेरी बात को। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट ब्रिंग्स द डिफरेंट एंट्रोपी चेंजेस इन डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। मैंने क्या बोला दोबारा समझिएगा कि सेम अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग एंट्रोपी चेंज दिखा सकती है। भैया क्या आपने 100 जूल की हीट डाली दोनों में, लेकिन अगर टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में एंट्रोपी का चेंज बहुत बड़ा देखने को मिलेगा और इस केस में एंट्रोपी का चेंज कम देखने को मिलेगा, बिकॉज ये हाईली पहले से ही डिसऑर्डर है, इतनी हीट के आने से और कितना डिसऑर्डर हो जाएगी, समझिए मेरी बात को। लेकिन जो बिल्कुल ऑर्डर उसमें लगी हुई है उसमें 100 जूल की हीट एंट्री करती है तो भैया वो एकदम से डिसऑर्डरनेस उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? तो उसका फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है कि भैया ठीक है जितनी हीट दोगे उतना एंट्रोपी में चेंज आएगा, क्लास प्लीज, जितनी हीट देंगे उतना एंट्रोपी में चेंज आएगा, समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप हीट दे रहे हैं लो टेम्परेचर पे, बॉडी ऑलरेडी कितने पे बोलो प्रिंस, बॉडी अगर ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है तो एंट्रोपी के चेंजेस बड़े देखने को मिलेंगे। बॉडी लो टेम्परेचर में मतलब बहुत ऑर्डर होगी, लो टेम्परेचर पे बॉडी सिस्टमैटिक में लगी होगी, पार्टिकल्स क्लोज क्लोज पैक होंगे, तो लो टेम्परेचर पे बॉडी है तो एंट्रोपी का चेंज उसी हीट से बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, और हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी बॉडी अगर मौजूद है इसका मतलब एंट्रोपी के चेंजेस देखने को छोटे मिलेंगे, कम मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि इनवर्स रिलेशन है, वो बस बताना चाह रहे हैं कि एट लो टेम्परेचर्स बॉडी found to have a large change in the entropy and at a high temperature इनके अंदर entropy में change कैसा आता है? कम आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आई मेरी बात समझ में? पक्की बात है कि नहीं वाली बात? अरे डाउट लग रहा है क्या इस चीज़ में? तो एक बार जल्दी से इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं, एक मुझे दिखा दो बस, लास्ट पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि फिर अगली चीज़ पे आना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर बोलता है whenever heat is added to the system वाला टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं, कहता है whenever heat is added to the system it increases molecular motions causing increased randomness in the system। मैं बोलूंगा आप बुकलेट में देखो सब बच्चे, बुकलेट पे ध्यान दो बस, क्योंकि आपको वो रीड वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ेगा तभी मजा आएगा। सो कहता है व्हेनेवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर मोशंस कॉजिंग इंक्रीज रैंडमनेस इन द सिस्टम। सबको समझ में आ गया कि जब भी हम सिस्टम में हीट को भेजेंगे सिस्टम के अंदर थोड़ी रैंडमनेस और बढ़ जाएगी, मोशंस बढ़ जाएंगे। कहते हैं दस हीट क्यू हैज अ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम, कैन वी देन इक्वेट डेल्टा एस विद क्यू? क्या डेल्टा एस को और क्यू को सामने सामने रख दें? सो कहता है वेट, experiences that the distribution of heat also depends on the temperature at which the heat is added to the system. Important line है, कह रहे कि ये हमारे experiences ये बता रहे हैं कि जो distribution of heat है वो also depend करती है on the temperature at which the heat is added to the system. वो temperature पर भी निर्भर करेगी, उस समय का temperature कितना है उस पर भी निर्भर करेगी कि किस समय हीट ऐड कर जा रही है। लो टेम्परेचर पे हीट ऐड कर रहे हो अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट को ऐड कर रहे हो तो अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कहता है अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस इन इट देन एट अ लोअर टेम्परेचर। वो सिस्टम जो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे उसमें रैंडमनेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो सिस्टम जो ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है। दस द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज क्वाटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम।
हीट एडिड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to it at the higher temperature. क्या बोला उसने, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में ये लाइन कि एंट्रोपी में चेंज तब देखने को ज़्यादा बड़ा मिला जब बॉडी ऑलरेडी कितने टेम्परेचर पे थी, लो पे. अब तो दिमाग लगाओ ना, लो टेम्परेचर पे बॉडी ज़्यादा ऑर्डर उसमें लगी होगी तो थोड़ी सी भी हीट डालोगे एकदम से बिखरेगी. बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब ऑलरेडी बॉडी हाई टेम्परेचर पे है तो ऑलरेडी उसके अंदर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, तो हीट डालने से कोई खास रैंडमनेस में इंक्रीमेंट नहीं आएगा. जब कमरा ऑलरेडी उतला पुतला हुआ तो आप जाएंगे भी एक घंटे बैठेंगे भी तो भी उतला पुतला ही लगेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले. लेकिन जो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में था उधर एक घंटे में देखने को मिलेगा बहुत सारा चेंज आ गया. है कि नहीं? नहीं आया. उतली पुतली चीज़ को और कितना उतला पुतला करोगे भाई? लेकिन जो बिल्कुल सही है उसको तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना उस चीज़ से. तो बस यही वाली बात वो कहने चाह रहे हैं, दिस सेज दैट एंट्रोपी चेंजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, डेल्टा एस इज रिलेटेड विद द क्यू एंड टी फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शंस एज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी. अब सब बच्चे मुझे बताओ फॉर्मुला समझ में आ गया? तो इस फॉर्मुले को मैथमेटिकली मैं यूज़ करूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? क्लास चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं बच्चों. यहाँ तक बातें समझ में आती है कि नहीं आती? चलिए अब एक और बड़ी जरूरी चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. क्लास बोर्ड में देखिएगा प्लीज. अब आप लोग मुझे बताइए किसी यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज आता होगा, किसी भी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज आता होगा? तो यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बनाए बच्चों. बोलो भाई. अब ये सबसे जरूरी चीज है, एक सिस्टम और एक बोलो क्या. तो जितना चेंज आएगा सिस्टम की एंट्रोपी में प्लस जितना चेंज आएगा सराउंडिंग की एंट्रोपी में, नेट मिला के चेंज आएगा यूनिवर्स के एंट्रोपी में. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं तुम लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ध्यान सुनिएगा. सबको फॉर्मूला समझ में आ गया पीछे वाला? अरे पक्का बताओ भाई, जबरदस्ती वाले यहाँ तो नहीं है? अब अगली बात समझो, मैं तुमसे कल एक बात कर रहा था, अगर यहाँ पर मैं एक गर्म चाय का कप रखूँ और वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, अपने आप होगा? पहले बताओ, चाय इधर, चाय का कप अपने आप ठंडा होगा? बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अगर मैं यहाँ पर आइस क्यूब रख दूँ, ठंडी नहीं कोल्ड ड्रिंक रख दूँ, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगी. मतलब चीज़ें ठंडी, गर्म से ठंडी भी अपने आप हो रही है और यहाँ पर वो जो आइस थी वो अपने आप पिघल भी गई, मेल्ट भी होगी, वो भी अपने आप होगा. मैं दिखाता हूँ कि चाहे सिस्टम में हीट आ रही है चाहे सिस्टम से हीट जा रही है, दोनों सूरत हाल में प्रोसेस अपने आप में स्पॉन्टेनियस है. मुझे तुम सब बच्चे बताओ ना. अरे ध्यान देना यार, ये थोड़ा सा समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो तुम्हें समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ये आपके पास हॉट टी है, अगर हॉट टी है बच्चों तो इसमें से हीट निकल रही होगी. एग्री करते हो कि नहीं करते? मुझे बस ये बताओ कैसी प्रोसेस है ये? सबको पता है ना स्पॉन्टेनियस है. अच्छा मुझे बस ये बताओ एक और, कि अगर एक ग्लास के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक है और इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ ये आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, अब मुझे बताओ जरा आइस क्यूब्स जो हैं थोड़ी देर में मेल्ट अपने आप हो जाएंगे? तो इसमें हीट आ रही होगी, ये मेल्ट हो जाएंगे, तो ये भी कैसा प्रोसेस है? बोलो स्पॉन्टेनियस है. मतलब एक बार सिस्टम से हीट अपने आप निकल रही है, एक बार सिस्टम में हीट अपने आप, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये अपने आप नहीं होता. होता है सर अपने आप, चाय ठंडी हो जाएगी अपने आप, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते, ये गर्म हो जाएगा अपने आप. तो ये दोनों ही प्रोसेस बोलो कैसी है? स्पॉन्टेनियस. मैं अगर ये साबित कर दूं कि इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान आपने यूनिवर्स को और ज्यादा रैंडम कर दिया है तो क्लियर हो जाएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ती है. समझ आएंगे कि दोनों ही सूरत हाल में आपने यूनिवर्स को और ज्यादा उथल पुथल कर दिया है. ये जो कमरा है ना इतना बड़ा, ये आपने और ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है. समझे इस बात को कैसे? क्लियर? आ जाओ देखते हैं कैसे. आप मान लीजिए कि जो ये बनाया है मैंने सामने, ये सिस्टम है. ये क्या है? बोलो सिस्टम है. और जो बाहर की दुनिया है वो बोलो क्या है? सराउंडिंग है. क्लास देखना एकदम समझ में आएगा, बस तुम ध्यान समझना. बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ये पेपर में वैसे जनरली आपसे पूछी नहीं जाएगी, पूछी जाएगी सिर्फ रिजल्ट जो मैं याद करवाऊंगा, लेकिन कैसे आया वो मैं सिखाने वाला हूँ. यही बात इसी का जिक्र मैं आपसे कर रहा था आज स्टार्टिंग में. इधर भाई प्रिंस यहाँ पर ध्यान दो, और ये समझोगे ना तो आपको मजा भी आएगा, एक्चुअली समझ में आएगा चीज़ें क्यों पढ़ रही हैं. ये सिस्टम है, वो सराउंडिंग है. यहाँ पर ये सिस्टम है और फिर ये सराउंडिंग है. समझते हैं बच्चों. पहले केस में मैं निकालने की कोशिश करता हूँ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स. डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा? तो आप क्या बोलोगे? जितना सर सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज आएगा. बच्चों जितना सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज आएगा प्लस में जितना सराउंडिंग के एंट्रोपी में चेंज आएगा. अच्छा एंट्रोपी का चेंज किस बात पर निर्भर करता है? क्यू बाई टी पे. किस पे? बोलो क्यू बाई टी पे. चलो भाई अब मुझे तुम एक बात बताओ सब बच्चे, ये जो गिवन सिस्टम आपके सामने है इस वक्त किसका टेम्परेचर ज्यादा है? यार ये तो जल्दी से बताओ, सिस्टम का ज्यादा है या सराउंडिंग का? कार्तिक यहाँ पर देख वंश, तभी आएगा समझ में. चाय ज्यादा गर्म है या सराउंडिंग ज्यादा गर्म है? ऑब्वियसली बात है चाय ज्यादा गर्म है, इसीलिए हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करती है ना. सो चाय ज्यादा गर्म है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इस केस में, फिलहाल इस केस में सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से बोलो क्या है? ज्यादा है. पहले वाले केस को समझते हैं, जैसे केस नंबर वन.
दिस इज केस नंबर वन एंड यू नो दैट दिस केस नंबर वन ये अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी. इसका मतलब सिस्टम एट हाई टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग एट द लोअर टेम्परेचर. रियान यहाँ पर कोई दिक्कत है इसके अंदर? अभी तक कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, हीट लॉस कौन कर रहा है? सिस्टम. और हीट गेन कौन कर रहा है? बोलो सराउंडिंग. अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपको बताया गया था कि जब भी सिस्टम से हीट निकले तो माइनस का साइन लेना है, और दूसरे में जिसमें ऐड हो रही है उसमें क्या लेना है? बोलो प्लस का. क्यों का साइन कन्वेंशन ना बोले, जब हीट ऐड होती है तो प्लस का लेते हैं और जब हीट निकलती है तो बोलो क्या लेते हैं? माइनस का. तो तुम मुझे बताओ सिस्टम से हीट जा रही है तो कैसा लो, प्लस की या माइनस की? शिवम वहां नीचे क्या दिख रहे हैं? नीचे देख के क्या समझ में आएगा? इधर देखो ना, देख ही नहीं रहे. सिस्टम से अगर हीट निकलेगी तो प्लस का क्यों लूं या माइनस का क्यों लूं? माइनस का क्यों? तो सिस्टम में कितना एंट्रोपी में चेंज आएगा? सब बच्चे बोलो भाई, आप सीख जाएंगे. बताओ कितना? माइनस का क्यू अपॉन में क्या आएगा? बोलो टी ऑफ सिस्टम. अरे यार ये समझ में नहीं आया. और मुझे बस ये बताओ जरा, सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा? अरे बड़ा आसान है, आपको लगेगा थोड़ा ऐसे कि शुरू शुरू मुश्किल लग रहा है. मैं कह रहा हूँ तीसरा जो केस तुम खुद ही समझ जाओगे. सराउंडिंग की एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा? जितना हीट उसमें गया तो क्यों गया होगा? अरे यार यहाँ से क्यों निकला तो वहाँ पर क्यों गया? 100 जूल यहाँ से गया तो 100 जूल उसमें गया. मतलब ये माइनस 100 तो वो प्लस 100, ये माइनस 100 तो वो प्लस 100. बस दोनों का टेम्परेचर अलग है. ये आएगा टी सिस्टम, यहाँ पर बोलो क्या आएगा? टी सराउंडिंग. मेरा बस आप जिन बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक है, अरे ठीक ना भी होना तो भी ये पता लगना चाहिए. आप मुझे बताओ ये साइन पूरा सॉल्व करने में पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा? बस ये बता दो मुझे, सोच समझ के जवाब देना. ये टोटल ये माइनस का है वो पॉजिटिव का है? आपसे मेरा सवाल ये है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? देवदत्त ने कहा पॉजिटिव आएगा सर. आप अपने सब बच्चे रिजल्ट बना के रखिए कि पॉजिटिव आएगा रिजल्ट या नेगेटिव आएगा. डाटा आपके सामने है, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है. जितना ये माइनस में न्यूमिनेटर में है उतना डिनोमिनेटर इस तरफ भी प्लस क्यू है. मतलब ये माइनस 100 तो वो प्लस 100 है, लेकिन नीचे की वैल्यू दोनों की सेम नहीं है बच्चों. अब आप बताओ ये रिजल्ट नेट पॉजिटिव आएगा या नेट नेगेटिव आएगा? दिमाग थोड़ा इसको बंद मत रखो, कोशिश करो इसको चलाने की, चलने लग जाएगा. हाँ ध्यान से देखिए, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है. चलो कितनों को लगता है कि पॉजिटिव आएगा? हैंड रेस करो पहले क्लास में. ओके 70% ऑफ द क्लास विद द पॉजिटिव. नेगेटिव, नेगेटिव जल्दी. अबे 30% क्या कर रही है? जीरो आएगा? जीरो नहीं, केल्विन्स में होते हैं ऐसे यूनिट्स में टेम्परेचर की, और टेम्परेचर में जीरो केल्विन से छोटा नहीं हो सकता. सो टेम्परेचर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन द एसआई सिस्टम. जूल में लेना उसको. इन द एसआई सिस्टम टेम्परेचर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. बिल्कुल उसकी सोचनी नहीं है इस बारे में. पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल. क्लास क्लास भाई, बाकी 30% क्लास में मौजूद नहीं है या कहीं और है? क्या चक्कर है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार मैं आप लोगों से कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा? कुछ तो ओपिनियन होना चाहिए ना आप लोगों का. एक बात सुनो, पहले तुम्हें क्या ये समझ में नहीं आया? पहले सुनो, वन बाय वन करते हैं. क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में उतना ही चेंज आएगा जितना सिस्टम की एंट्रोपी में आया प्लस में सराउंडिंग की? अरे इस दुनिया में यूनिवर्स में दो ही चीज़ें, एक सिस्टम और इस सिस्टम को छोड़ के बाकी बोलो क्या? सराउंडिंग. जितने क्लास इधर चल रही है तो दोनों की एंट्रोपी का चेंज मिला के बोलो यूनिवर्स की एंट्रोपी का चेंज आएगा. अब किसी भी एंट्रोपी में चेंज कितना होता है? बोलो क्यू डिवाइड बाय बोलो क्या? टी. मुझे तुम बताओ क्यू का साइन आपको पता है, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी, डिपेंडिंग उसमें हीट ऐड हो रही है, हीट बोलो क्या हो रही है? रिलीज. सिखाया था यार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. तो अगर सिस्टम से हीट जा रही है तो मैं क्या लूंगा? माइनस का क्यू. और उतनी ही हीट ऐड हो रही होगी सराउंडिंग में, इसलिए ले लिया प्लस का क्यू. अलग नहीं लिया क्यू वन क्यू टू, क्योंकि जितनी ये निकालेगा उतनी वो ऐड करेगा. तो ये माइनस क्यू तो वो प्लस क्यू. फिर नीचे क्या आएगा? सर इसका सिस्टम का टेम्परेचर आएगा, उधर क्या आएगा? बोलो सराउंडिंग का टेम्परेचर. अब आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए यार इसमें सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है. सिस्टम का टेम्परेचर देखो ना, चाय ज्यादा गर्म है, सराउंडिंग थोड़ी सी ठंडी है. खुशी यहाँ पर ध्यान देना. तो सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग ज्यादा है. अब तुम मुझे बताओ यार, इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी. मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू कैसी आएगी? छोटी. और पॉजिटिव वाली वैल्यू कैसी आएगी? बड़ी. प्रिंस नहीं समझा शिवम? भाई इसका सिस्टम वाला टेम्परेचर बड़ा है, और बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव वाली कैसी आएगी? छोटी. क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया उसका ओवरऑल वैल्यू कैसा हो जाएगा? छोटा. अरे यार किसी नंबर को तुम 5 से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, और तुम इसको 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा. मतलब बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट छोटा हो जाता है ना. सो अगर टी सिस्टम बड़ा है तो नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी है और पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है. इसका मतलब मुझे बताओ रिजल्ट कैसा आएगा? इसका मतलब इस दौरान जब आपकी चाय ठंडी हुई उस समय यूनिवर्स की एंट्रोपी का साइन चेंज जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चेंज का मतलब बोलो क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज होगी. एंट्रोपी, आपने यूनिवर्स को और ज्यादा रैंडम कर दिया इस दौरान. क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? एक और समझते, चिंता मत करिए, सेकंड में आपको और क्लैरिटी आएगी. सेकंड केस क्या हुआ कि चलो सर चाय पीना छोड़ देंगे, आपसे हम यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे और सेकंड टाइम से चाय नहीं पियेंगे, आपसे ठंडी चीज़ें पियेंगे. अब ठंडी चीज़ पी तो ठंडी चीज़ में भैया आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली, उसमें कुछ आइसक्रीम डाले बढ़िया से कि सर अब तो खत्म कर दो, टेंशन खत्म, आपसे गर्म चीज़ें नहीं पियेंगे ठंडी चीज़ें पियेंगे ना. अब आपने ठंडी चीज़ पी,
अब ठंडी चीज पी तो इसका मतलब क्या, सिस्टम अब कैसे टेम्परेचर पे है खुशी, सिस्टम अब कैसे टेम्परेचर पे है लो पे, और सराउंडिंग कैसे पे है हाई पे। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब हीट बोलो कहां से आएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में। हॉटर से कोल्डर आती हीट हमेशा, बस ये समझ लो स्पॉन्टेनियसली। रियान मेरी मेरी शब्द सुनना से समझ पाओ तुम लोग, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप हमेशा हीट हाइयर टेम्परेचर बॉडी से कहां जाती है लोअर। इसमें यहां से बाहर जा रही थी क्योंकि ये गर्म था वो ठंडा था, इस बार बाहर गर्म है अंदर ठंडा है तो बाहर से अंदर आ रही है, काम अपने आप हो रहा है। मैं कुछ भी नॉन स्पॉन्टेनियस बात नहीं कर रहा, सारी बातें वाली कर रहा हूँ जो स्पॉन्टेनियसली होंगी, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करेगी। समझ आया वाली बात? नहीं आ रहा समझ। अब तुम मुझे बताओ जरा, इस बार जब मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज देखता हूं तो कितना आएगा क्लास, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस में डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, सॉरी सराउंडिंग गाइस, सराउंडिंग। ध्यान देना। अब आप मुझे बताओ जरा, इस बार सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, यहाँ पर सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, ऐड हो रही है तो बच्चों क्या आएगा, प्लस का क्यू डिवाइड बाय में बोलो क्या आएगा, टी सिस्टम। इधर मुझे बताओ जरा, सराउंडिंग से हीट निकल रही है तो बोलो क्या आएगा, माइनस का क्यू डिवाइड बाय में बोलो क्या, टी सराउंडिंग। अब एक प्लस और फिर से एक माइनस, तो जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग साइन आ जाएगा भाई। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर की बात करें तो टी सराउंडिंग का टेम्परेचर बड़ा है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, छोटी। फिर से नेगेटिव वाली वैल्यू क्या है, छोटी, और पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या है, बड़ी। क्यों बड़ी है भाई, टी सिस्टम से छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ा, तो सर ये पॉजिटिव वाला बड़ा नेगेटिव वाला छोटा, इसका मतलब रिजल्ट फिर से कैसा, इसका मतलब इस बार भी यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसी है बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी फिर से बोलो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, क्या कर गई बोलो। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अच्छा दोनों सूरत हाल में ऐसा क्यों हो रहा है, इधर भाई कार्तिक एक सेकंड बात करो, इधर हीट ऐसे क्यों गई और इस बार ऐसे क्यों आई, पहले मुझे बताओ, इस बार बाहर क्यों नहीं गई, इसके अंदर से बाहर क्यों नहीं गई। सर ये लो है नेचर का ना, चीजें अपने हाई टेम्परेचर बॉडी से कहाँ की तरफ जाती हैं, हीट हमेशा अपने हाई वाली कंसंट्रेशन से लो की तरफ चलेगी। पहले ये गर्म था बाहर ठंडा था तो अंदर से बाहर जा रही थी, अब की सर बाहर गर्म है ये ठंडा रहेगा इसके ऊपर तो इसके अंदर आएगी, सर अपने आप वाला काम हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बोलो अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा। और उस पूरे अपने आप प्रोसेस होने में दोनों बार एंट्रोपी यूनिवर्स की बोलो क्या कर जाती है, इंक्रीज। और ये बिल्कुल प्रूवन है, मैथमेटिकली प्रूवन है, ऐसे नहीं बोल रहे हम शब्दों में कि भैया ठीक है बच्चों होती है, प्रूवन हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ मुझे। अच्छा कब नहीं होगी बताओ जरा, कब एंट्रोपी यूनिवर्स की नहीं बढ़ेगी, किस सिचुएशन में। तो मान लेते कि केस नंबर 3 लेता हूं, बहुत अच्छे केस नंबर 3, ये मेरे पास सिस्टम है और ये मेरे पास सराउंडिंग है, सपोज कि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब आप मुझे बताओ जरा डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना आएगा क्लास प्लीज, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो मुझे सब बच्चे बताओ क्या आएगा, एक ने मान लो, अरे एक ने मान लो लॉस करी, एक ने मान लो क्या करी गेन करी, कुछ भी मान लो इस बार। सो बोलेंगे एक बार बोलेंगे q बाय में t ऑफ सिस्टम, एक को बोलेंगे माइनस का q बाय में t ऑफ, क्योंकि इस बार दोनों का टेम्परेचर बराबर है, ऊपर की वैल्यू भी बराबर है, बोलो आंसर कितना आएगा। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई भी चेंज, तो यूनिवर्स के अंदर तब चेंजेस नहीं आते जब चीजें बिल्कुल क्या हो चुकी होती है, बैलेंस हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है बोलो, क्योंकि बैलेंस सिचुएशंस में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा होता, और कोई भी प्रोसेस अगर नहीं चल रहा है इसका मतलब एंट्रोपी भी उसकी बढ़ेगी घटेगी नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों प्रोसेस कैसी ली थी मैंने, स्पॉन्टेनियस ली थी, मतलब जो अपने आप होंगी, अपने आसपास जितनी भी इस दुनिया में रिएक्शन चल रही होंगी, आप मुझे खुद सोच के बताओ, सारी रिएक्शन अपने आप ऐसी चल रही हाई टेम्परेचर से कहाँ की तरफ जा रही है, लो की तरफ, और सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, चाहे वो ओए सुनो, चाहे सिस्टम से हीट जा रही हो, चाहे सिस्टम में हीट आ रही हो, स्पॉन्टेनियसली अगर आ रही है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, मोर एंड मोर रैंडम। इसका मतलब क्या ये कहा जा सकता है कि एक पहचान बन चुकी है। अच्छा एक बात हो, ये वाला नेगेटिव साइन कब आ सकता है, जब ये उल्टा हीट जाने लग जाए, कैसे हीट जाने लग जाए बोलो, कोल्डर से हॉटर में हीट जाने लग जाए, जो कि अपने आप नहीं होगा, अपने आप सोचो, दिमाग लगाओ ना यार, क्या कोल्डर से हॉटर में हीट अपने आप जा सकती है क्या, अपने आप नहीं जा सकती। लेकिन अगर भेजने लग जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि ये वाला साइन हो जाएगा नेगेटिव का, ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, फिर उल्टा होने की वजह से रिजल्ट कैसा आ जाएगा बोलो, नेगेटिव। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से एंट्रोपी यूनिवर्स की घट सकती है, बट जितने भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं उस दौरान एंट्रोपी बोलो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब मुझे एक बात पकड़ में आ गई भाई, अब से मैंने एक बात को बड़ी इंपॉर्टेंटली याद कर लिया, जो कि मैं बोल रहा था बच्चों रिजल्ट याद करना है, बोलो क्या याद करना है सभी बच्चे, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं क्लास, बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूं, जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस का यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज बोलो कैसा होता है, पॉजिटिव। और जितनी भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, कितनी बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों, तो इनका यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज बोलो कैसा आएगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को प्रूव करके दिखाओ सर, तो कुछ भी नहीं करना है यार, आप मुझे एक बात हो, जो सामने रखा हुआ कैसे ही मुझे बताओ स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हीट आती है आइस क्यूब्स के अंदर बोलो, है कि नहीं, इसको उल्टा कर दो, हीट इसके अंदर से जा रही है, क्या ये अपने आप हो सकता है,
रेफ्रिजरेटर ही काम करता है वैसे, आइस क्यूब से हीट को निकाल के बाहर फेंक सकता है, अंदर फ्रीजर में आइस जमी होती है उससे बाहर फेंकता है हीट को, बोलो होता है कि नहीं होता, लेकिन वो काम नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर हीट इसमें से निकलेगी तो प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और उस दौरान मुझे बताना कि ये वाला साइन प्लस का नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, माइनस का, और ये वाला कैसा आएगा, बोलो प्लस का, क्योंकि हीट इस बार इसमें से निकलेगी उसमें जाएगी, तो सराउंडिंग के साथ प्लस का क्यों आएगा, सिस्टम के साथ माइनस का आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी नेगेटिव होती है, और स्पॉन्टेनियस की बोलो एंट्रोपी क्या होती है। जिस बच्चे को लगे कि सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, मेरे को तो बहुत ही मुश्किल लगा टॉपिक, तो कुछ नहीं करना यार, ये बात याद करनी है बस पेपर के लिए, पेपर के लिए तो ये याद करना है, एंट्रोपी एंट्रोपी में कुछ नहीं पूछता वो, पिछली वाली बात आपको देखो क्या समझ में आना चाहिए क्लास प्लीज, एक तो ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला बताओ भाई, ये फॉर्मूला पूछ रहे थे एग्जाम में, एक ये वाली बात पता होनी चाहिए, पिछली वाली बात पता है नहीं पता छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब तो आया होगा समझ में, अरे ये सब तो आया होगा एंट्रोपी में, मुझे तुम ये बातें बताओ, पहली बात ये समझ में आई थी, पेज पर जितना भी लिखा हुआ है क्लास, ये वाले पेज पर जितना लिखा हुआ समझ में आ गया था, सेकंड बताओ ये वाले पेज पे जितना भी लिखा हुआ समझ में आ गया था, फॉर्मूला समझ में आ गया था, फॉर्मूला आना चाहिए समझ में, नहीं आया समझ में, और तीसरे वाले पेज पे एक वो रिजल्ट और एक रिजल्ट ये समझ में आना चाहिए। ये बातें उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट बनाना है इस टॉपिक के अंदर, देखना है मुझे एक्चुअली में चीज़ें कैसे चल रही है, तो मैं बता देता हूँ बच्चों कि जितने भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रहे हैं उन दौरान हमारे यूनिवर्स क्या हो जा रहा है, बोलो मोर एंड मोर रैंडम। और तुमसे मेरा एक जनरल बात मैं तुमसे करता हूँ, छोड़ो इस टॉपिक से बाहर आ जाओ, आपको नहीं लगता कि हमारे आसपास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा होती ही रहेंगी, होती रहेंगी चेंजेस तो हमेशा होते रहेंगे, चेंजेस कभी बंद हो सकते हैं क्या बताओ जरा, इधर से उधर कुछ बदलाव आ रहा है, उधर से इधर कुछ बदलाव आ रहा है, कभी ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, चेंजेस होते रहेंगे, और ये जितने भी चेंजेस है मान लो स्पॉन्टेनियस चेंजेस इधर चल रहे हैं, अपने आप होते जा रहे हैं क्लास, अपने आप जब जब स्पॉन्टेनियस चेंजेस होंगे यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब जब यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा तो सोचिए रोज एंट्रोपी बढ़ रहा है यूनिवर्स का, तो एक टाइम पर एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होगा, रेंडमनेस बहुत ज्यादा हाई होगी, सिस्टम बहुत ज्यादा डिसऑर्डर होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे होगा, तो ऐसे में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कि एक टाइम पे चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नहीं समझे मेरी बात को, ये दुनिया जब हमें मिली होगी बेसिकली तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड होगी, अरेंज होगी, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, और चेंजेस होते होते एंट्रोपी बोलो क्या करते गई, बढ़ती गई। अब सोचिए ना, अब मैं इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जो मैंने आपको कल भी दिया था, अब इसको देख के सारे बच्चे समझ जाएंगे, क्लास ढंग से सुनो। आप घर पे गए, आपकी मदर ने वो रूम को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि बेडशीट बिछा रखी, तकिए रख रखे हैं, पेन स्टैंड के अंदर पेन है, जहाँ पर बुक रख है वहाँ पर बुक्स लगी हुई हैं, और सारी चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक वे में है। तो ये यूनिवर्स था, ये बोलो क्या था, यूनिवर्स। अब आप वहाँ पर रुकते हैं तो मुझे बताइएगा, चेक एक घंटा रुके चाहे दो घंटा रुके, जितने भी देर रुके, अपने आप वो दिखेगा आपको सिस्टम क्या होता जा रहा है, बोलो धीरे धीरे डिसऑर्डर होता जा रहा है। लेकिन अगर उसको वापस से ऑर्डर करना है, क्या वो अपने आप होगा, उसमें अपने आप रहो, मतलब अपने रहते रहो, 8-9 घंटे 10 घंटे हो चुके, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलो क्या होगा, और रेंडम होता चला जाएगा, क्या वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा मदर को, है ना, किसी को आना पड़ेगा, फिर से वो आके सारी चीज़ों को फिर से उधर 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 प्लेस करेंगे, एंड देन हो जाएगा। इसका मतलब कि एंट्रोपी अगर यूनिवर्स की घटानी है तो वो किस तरीके से घट सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से, स्पॉन्टेनियसली हमेशा यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनर फंसाने के लिए करता है आप लोगों को, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो बोल रहे ए, देखो भाई बोर्ड पे, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सी वाली बात बिल्कुल एक्यूरेट है, सी वाली, क्योंकि अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा कोई कहेगा सर सिस्टम का क्या रहता है, अभी देखो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं सिस्टम का ग्रेटर देन जीरो, बच्चे सिस्टम का कहेगा यार सिस्टम तो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेट जो चेंज आता है यूनिवर्स में वो हमेशा बोलो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस चेंजेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये बात ना देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है ये टॉपिक, कुछ बच्चों को लगता है कि सर मुझे थोड़ा कम समझ में आया, तो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन को, मतलब कि जो टॉपिक मैंने आपको बताया ज़्यादा समझने वाली बात ही नहीं है,
एक सिंपल सी बात याद कर लीजिए कि स्पॉन्टेनियसली आपके घर का रूम भी तो ज्यादा रेंडम होता चला जाता ना, तो ये समझ लीजिए कि स्पॉन्टेनियसली यूनिवर्स हमेशा, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे बोलता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का बता रहा हूं मैं आप लोगों को ये, और ये मान के चलिए कि 10 पेपर बन रहे हैं ना तो 8 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन डाला जाता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपको बोलना है सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, और आपको रट नहीं रहे इस चीज को, आप लोगों को साबित करवाया गया है कि चाहे चाहे ठंडी हो रही हो, चाहे कोई चीज हमारा सिस्टम गर्म हो रहा हो, दोनों सूरत हाल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा था और हमारा यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या है, बोलो पॉजिटिव। और जैसे ही मैं इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कंसिडर कर लूंगा ना कि हीट अंदर से निकालने लगूंगा बाहर, कोल्डर से हॉटर में भेजने लगूंगा, जो कि अपने आप नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तभी मेरा नेगेटिव आंसर आ गया। इसका मतलब ये बात याद करी जा सकती है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उनका डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, और नॉन स्पॉन्टेनियस का बोलो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, बोलो नेगेटिव। या उल्टा भी बोल सकता है कि अगर किसी सिस्टम बोलेगा किसी यूनिवर्स का डेल्टा एस पॉजिटिव है, बताओ ये कौन सी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और अगर नेगेटिव है तो बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस। बस इतना ही याद करना है, ये आए चाहे ना आए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ गया है इट्स मच बेटर, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ नहीं आया ना, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट करना है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं था वैसे ये चीज है ना। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, लिखो लिखो लिखो, जल्दी सिंपल है यार, बड़ा नकली सा क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में, लेकिन एंट्रोपी चेंज बताओ अगर एक सिस्टम ने 500 जूल की हीट को अब्सॉर्ब किया 200 केल्विन टेम्परेचर पे, अरे बोलो भाई सिंपल बोलोगे, डेल्टा एस किसके बराबर होता है बच्चों, ए क्यू बाई टी, चलो बोलो तो क्या हो गया, हीट बोलो कितनी प्लस 500, टेम्परेचर बोलो कितना 200, ये जूल में केल्विन में 2.5 जूल्स पर केल्विन, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साहब ही बोल सकते हो कि 2.5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है, वैसे समझ सकते नहीं है बस में पक्का, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो बताने ये वाला क्वेश्चन, बच्चों बोर्ड पे किस केस में एंट्रोपी का चेंज सबसे बड़ा होने वाला है? अरे क्लास पीछे स्वयं इधर, किस केस में एंट्रोपी का चेंज सबसे बड़ा है? डी में, आज ही कैसे निकाला? ए ऑप्शन में सब बच्चों ने डेल्टा एस देखा भाई, 500 जूल हीट आ रही है 200 टेम्परेचर पे आ रही है तो ढाई आ रहे हैं। बी ऑप्शन के अंदर 600 जूल की हीट आ रही है 300 पे, दो यूनिट का चेंज, 400 की हीट आ रही है 200 पे, दो का चेंज, और
और 300 की हीट आ रही है 50 पे, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी? ए क्लास, बातें क्यों करने लग जाते तुम लोग यार? क्लास थोड़ा सा इधर, आप मुझे बताइए किस केस में एंट्रोपी का चेंज सबसे बड़ा देखने को मिला? सर एंट्रोपी चेंज होता है क्यू बाय में टी, कितनी हीट आई, कितनी हीट आई, लेकिन एक और बात बड़ी जरूरी होती है कितने टेम्परेचर पर आई, क्योंकि कहीं अगर आपकी हीट बहुत हाई टेम्परेचर पे आई है तो एंट्रोपी में चेंज बड़ा होने वाला, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी सिस्टम बहुत डिसऑर्डर पहले से ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन हीट आई है बड़े लो टेम्परेचर पे तो बड़ी स्वाभाविक होगा कि एंट्रोपी में चेंज बहुत बड़ा आने को मिलता है। तो आपने सब में देखा कि क्यू बाई टी करके देखा, बच्चों इधर क्यू बाई टी करा, 500 बाय 200, 600 बाय 300, 400 बाय 200, 300 बाय 50, आंसर आगे। सबसे बड़ा एंट्रोपी चेंज कब आया? बोलो डी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी किसी बच्चे ने कि सबसे कम हीट ऐड हो रही थी, सबसे कम हीट, बट सबसे बड़ा एंट्रोपी चेंज इसी केस में, ऐसा क्यों बताओ जरा? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम था बच्चों, तो बहुत कम टेम्परेचर पे सिस्टम बहुत ऑर्डर था, थोड़ी सी भी हीट जाएगी तो बहुत बड़ा चेंज पैदा करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो लेकिन दोनों फैक्टर मैटर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेम्परेचर से अंदाजा लगा ले, हीट और टेम्परेचर दोनों का रेशियो डिसाइड करता है कि एंट्रोपी में चेंज बड़ा आएगा या कम आएगा, और उसके जरिए आप लोग बोल सकते हैं डी वाले केस में एंट्रोपी का चेंज सबसे बड़ा है। सो क्लास मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब तक क्लास खत्म ना हो तब तक बैक पैक्स करना वगैरह ये सब मत करा करो, तुम ये चीज़ें सीख लो। तुम लोग बहुत मतलब ऐसी गलत चीज़ें करते हो जो कि तुम्हें आगे चल के दिक्कत करेगी, मतलब स्कूल लाइफ में दिक्कत नहीं करेगी। अब तुम सोचो तुम्हारी कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में तुम्हारी कोई मीटिंग चल रही है और तुम्हारे मैनेजर ने टाइम दिया था कि 5 से 6 की मीटिंग है और 6 बजने वाले थे और तुमने सीधा अपनी फाइल वाइल अपनी बैग में पैक करना शुरू कर दी, उसी दिन बोलेगा यू गेट फायर्ड, आपको हटा दिया जा रहा है, आप भैया अपने घर में बैठे, ये तो करेंगे ना? यहाँ तो क्या हटाएंगे, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम्हें सिखा सकते हैं। ये मतलब गलत चीज़ होती है कि कोई आपको पढ़ा रहा है उस समय पे, कोई आपको समझा रहा है और आपको पैकिंग लगने लगी, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, मेरा सेकंड बैच वेट कर रहा है, आप तो घर जाओगे, है ना? तो ये चीज़ें मत करा करो, ये चीज़ें गलत होती हैं कि आप लोग बैक पैकिंग करने लग गए हैं, आधे तो जैसे कुर्सी पे से क्यों खड़े हो जाते हैं कि बस सर बोलेंगे और मैं यूँ, सीट छोड़ चुके होते हैं, हवा में होते हैं थोड़ी देर के लिए, इतनी जल्दी है, ऐसा मत करा करो, ये गलत चीज़ है। सो क्लास जब तक मैं ना बोलूँ क्लास खत्म नहीं हुई, नहीं हुई इसका मतलब, चलती रहेगी। सुनो, सो क्लास मुझे तुम ये बताओ, सभी बच्चे एंट्रोपी को लेके बस बीच वाला ऐसा मुद्दा है जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो चीज़ आपसे कैलकुलेट करवाएगा, लेकिन बस रिजल्ट बताओ कि हाँ स्पॉन्टेनियस के दौरान यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता है और नॉन स्पॉन्टेनियस के दौरान यूनिवर्स का एंट्रोपी घटता है। ये बात अगर याद है तो बीच वाली बात जो मैंने आज समझाई है उतनी जरूरी भी नहीं कि आपको आनी चाहिए, आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो भी पेपर में फंसने वाले नहीं हो। मुझे लेकिन ये बताओ जरा, क्या तुम्हें एंट्रोपी का मतलब एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि क्या होता है? एंट्रोपी मीन्स द रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, सिस्टम में ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, इसीलिए गैसेस की एंट्रोपी मैक्सिमम और सॉलिड्स की एंट्रोपी मिनिमम। उसके बाद मैंने केमिकल रिएक्शंस वाला समझाया, वो समझ में आ गया कब एंट्रोपी बढ़ेगी कब एंट्रोपी घटेगी, रिएक्शन देख के आइडिया लग जाता है कि एंट्रोपी बढ़ी या एंट्रोपी घटी, चीजें सॉलिड से लिक्विड से गैसेस जा रही, एंट्रोपी बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है सर, सिंपल सी बात है, एटम्स टूट रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, देख के पता लग जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन आने मैंने साथ ही साथ करवा दिए आप लोगों को, फॉर्मूला क्या समझ में आया कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट टी इनवर्स का मतलब क्या होता है? ये कहना बस ये चाहता है कि लो टेम्परेचर पे अगर बॉडी है तो एंट्रोपी चेंज बड़ा दिखने को मिलेगा, और ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे तो फिर एंट्रोपी में बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा ही नहीं, यही वो समझाना चाह रहा है, इसीलिए क्वेश्चन भी करवाया लास्ट में आप लोगों को। तो मुझे बस ये बताओ तुम्हें ये वाला पेज सबको क्लियर है? ये वाला पेज सबको समझ में आ रहा है? देख के साथ ही ये वाले पेज पे सिर्फ ये वाला पता होना चाहिए कि तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज उन दोनों का सम होता है, और एक ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, ये वाला मतलब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये आता हो चाहे ना आता हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे नहीं आ रहा समझ में? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हमारा सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे हो तो यूनिवर्स का चेंज कैसा होगा? तो बोलेंगे जीरो होगा। कैसा होगा बोलो? जीरो होगा गाइस। उसके बाद जरा मुझे बताओ फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाती है, और ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कि डी केस में मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज देखने को मिलने वाला है? सो गाइस एंट्रोपी भी हमारा फिनिश हुआ इसके साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शुरुआत से देखा जाए तो बहुत मेजर टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहली चीज हुई थी, आता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या? क्यू प्लस डब्ल्यू, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराए थे, हल्का सा रिवाइंड करा रहा हूँ चीजों को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले चीज हुई थी, उसके बाद जो मेन चीज शुरू हुई थी वो हुई थी बहुत सारी एंथैल्पीज हमने पढ़ी थी, याद करो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, लेकिन वो एंथैल्पीज क्यों पढ़ी थी? हैसिस लॉ के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो सेकंड चीज थी एंथैल्पी चेंज, थर्ड चीज थी हैसिस लॉ, और चौथी चीज में मोटे मोटे तौर पर बताऊं बच्चों क्या है? एंट्रोपी। अब तक इस चैप्टर के अंदर चार मोटे मोटे टॉपिक्स हुए, पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड सारी इंथैल्पीज डेफिनेशंस आनी चाहिए, तीसरी हैसिस लॉ के न्यूमेरिकल्स, एंड चौथी चीज एंट्रोपी। आती कि नहीं आती चारों चीजें? या बहुत मुश्किल लग रही है? क्लियर होता है? सो उसके यहाँ क्लोज करते हैं, टेस्ट शेड्यूल आपके ग्रुप में भेज दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा, जाओ।